नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि स्क्रीन पर मैटर कैसे खोला जाता है, जो कि दोस्तों अगली वीडियो में मैंने बताया था कि स्क्रीन पर मैटर कैसे खोला जाता है और कैसे लगाया जाता है, कैसे एक्सपोज किया जाता है। लेकिन कुछ दोस्तों का सवाल था कि स्क्रीन पर मैटर खोलते ही वो जो है केमिकल बह जाता है, उस पर जो है मैटर नहीं खुलता सही से। तो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि इस पर मैटर अच्छी तरीके से कैसे लगाएं और कैसे मैटर को एक्सपोज करें। तो दोस्तों ये है मेरी स्क्रीन, ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये मेरी स्क्रीन है और ये देखिए ये है सोना कोड, इसको ग्रीन कोड भी कहते हैं। ये देखिए जो कि येलो पैक में होता है और ये जो है होता है सेंसिटाइजर, जिसको हम सोने कोड में मिलाते हैं। देखिए ये सेंसिटाइजर है जो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, और मैंने ये स्केल लिया हुआ है जिसके माध्यम से मैं स्क्रीन पर जो है ये केमिकल लगाऊँगा। और इस सोने कोड को एक ढक्कन मात्र निकालना है, और मैंने इसमें मिक्स करने के लिए ये गिलास ले लिया है छोटा सा, जिसमें सोने कोड को जो है मिक्स करेंगे। और इसको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से जो है इस केमिकल को हम मिक्स करते हैं। तो इसमें मात्र एक ढक्कन निकाल लेंगे, ये देखिए मात्र इतना ही निकाला है, ये देखिए मात्र मैंने इतना ही ग्रीन कोड को निकाला है सोने कोड को। और इसमें जो है मात्र इस सेंसिटाइजर को मात्र एक चुटकी इसमें डालेंगे, ये देखिए मैंने इतना ही डाला है, मात्र एक चुटकी होगा लगभग, इतना ही सेंसिटाइजर को इसमें मिक्स करेंगे और किसी भी चीज़ से जो है इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको हम अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है दोस्तों, नहीं तो जो है आपके स्क्रीन पर जो है मैटर सही तरीके से नहीं खुलेगा। तो आपको इसको सही तरीके से जो है मिक्स कर लेना है। ये देखिए दोस्तों मैंने जो है इसमें सेंसिटाइजर को अच्छी तरीके से जो है मिला लिया है, और अब मैं इसको स्क्रीन पर लगाता हूँ। देखिए इसको कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको सेंसिटाइजर को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि सबसे मेन कलाकारी जो है स्क्रीन पर मैटर ही लगे, स्क्रीन पर केमिकल ही लगाना होता है। अगर आपका सोना कोड नहीं लगा रहेगा सही से तो स्क्रीन पर मैटर नहीं खुल पाएगा सही से। तो ये स्केल के माध्यम से इसको अच्छी तरीके से उस पर हम लगा देंगे। और दोस्तों इसको थोड़ा ही थोड़ा करके लगाएंगे, नहीं तो अगर कभी कभी क्या होता है कि एक साथ में हम इस पर गिरा देते हैं तो ये केमिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है और मैटर हमारा सही से नहीं खुलता है। और इसको लगाने के बाद में ये बैक साइड से भी इसको इस तरह से इसको हम खींच देंगे, ताकि जहाँ जहाँ मोटा हुआ है वो पूरा एक लेवल में हो जाए। ये देखिए दोस्तों ये सोना कोड जो है स्क्रीन पर लग चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम इसको जो है अंधेरे में लगभग एक घंटे के लिए रख देंगे सूखने के लिए, और मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम इस पर हम फैन भी चला देंगे, पंखा चला देंगे, ताकि ये बहुत जल्दी सूख जाए। और मैं इसको अंधेरे में रख देता हूँ, तब जब सूख जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर मैटर कैसे एक्सपोज किया जाता है, कैसे खोला जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम अंधेरे में रख देते हैं, हमारी सूख चुकी है और अब इसको हम जो है एक्सपोज करते हैं मैटर को। ये देखिए मैंने जो है एक गत्ता लिया है और नीचे एक कलाई रखी हुई है, रखा हूँ, और उसके बाद में इसको ऊपर से इसे रख देंगे
और ये मेरा जो है बटर पेपर है, ये देखिए मैटर है बटर पेपर, और इसको मैं जो है इस पर ऐसे रखूँगा। और रखने के बाद में ये शीशा है, इस शीशे के माध्यम से इसके ऊपर से हम इसको प्रेस करेंगे। और इसको अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे बढ़िया से, और पकड़ने के बाद में इसको हम धूप दिखाएंगे। तो दोस्तों धूप इसको मात्र जो है हम एक चुटकी जो है वो सैनिटाइजर को मिलाए थे, तो मात्र इसको हमें सुबह के टाइम है, धूप खुली है, तो इसको लगभग 30 से 40 सेकंड हम इसको धूप दिखाएंगे। और धूप दिखाने के बाद में इसको हम पूरा हटा देंगे, और अब इस पे जो है हम पानी डालेंगे। तो इसको थोड़ा ऊपर से हम पानी डालेंगे, ये देखिए दोस्तों ये मैटर जो है कुछ इस तरह से खुला हुआ है आया है, ये देखिए। तो इस पर अच्छी तरीके से लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो सैनिटाइजर है इसको हम थोड़ा इस पर लगाएंगे, दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कोई बताता नहीं है कि अच्छी तरीके से मैटर कैसे एक्सपोज किया जाता है स्क्रीन पर। और इसको लगाने के बाद में ऐसे कभी कभी ये होता है दोस्तों, हम मैटर खोलने के बाद में जब रख देते हैं धूप में सूखने के लिए, तो ये ग्रीन कोड जो है ये हम जहाँ ये जहाँ पर लिखा होता है इस पर जा कर के चढ़ जाता है, और जब छापते हैं तो ये ओपे सही से छपता नहीं है। और इसको हम सैनिटाइजर को लगा करके इसको हल्का से हाथ से ऐसे कर देंगे, ताकि अच्छी तरीके से मैटर जो है हमारा ओपन हो जाए। और हाथ रगड़ने के बाद में इस पर हम फिर से पानी डालेंगे, तो ये देखिए दोस्तों ये जो है स्क्रीन पर मैटर कितना अच्छा जो है पूरा हमारा जो है ओपन हो के आ गया है, एक्सपोज हो गया है। देखिए कितना अच्छा जो है एकदम जो है क्लियर दिखाई दे रहा है कि मैटर जो है खुल गया है। तो सही तरीका यही है दोस्तों कि आप जो है लास्ट में सैनिटाइजर को हल्का जो है लगा करके और इस पर पानी डाल दीजिएगा, तब इससे क्या होता है दोस्तों मैटर जो है एकदम क्लीन ओपन हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि स्क्रीन पर मैटर कैसे ओपन किया जाता है, कैसे खोला जाता है, कैसे एक्सपोज किया जाता है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल में आपको मिलती रहेंगी, जो कि दोस्तों स्क्रीन प्रिंटिंग प्रेस संबंधित और ऑनलाइन सॉल्यूशन संबंधित जो है आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।